हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको अंडमान एंड निकोबार में कंट्रैक्टर के लिए लेबर लाइसेंस पाना है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये जो लिंक देख रहे हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और जहाँ पे क्लिक करके आप इस पेज में आ जाएंगे। इस पेज में आकर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक सिलेक्ट लैंग्वेज टैब दिखेगा, उसमें क्लिक करके आप इस पेज को किसी भी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंदी में इस पेज को ट्रांसलेट किया है और इस पेज में आप देखिए सारी जो जानकारी है, एक ठेकेदार के जो श्रम लाइसेंस है उसको पाने के लिए यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। दो उपाय हैं, एक तो आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं और दूसरा है ऑनलाइन आवेदन, जो कि सुविधाजनक है। आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे एड्रेस, पात्रता, फीस, वैधता सहित और भी आवश्यक जानकारी वगैरह सब कुछ है। तो आवश्यक जानकारी में आपको देना है नाम, उस फार्म का नाम और जो आपका मुख्य स्थान है उस बिजनेस के लिए वो उसका विवरण, पार्टनर्स नेम देना है, परमानेंट एड्रेस आपका, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, जीएसटी नंबर और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये आवश्यक दस्तावेजों में देख लेते हैं। आवश्यक दस्तावेजों में आवेदन फॉर्म चाहिए और आपका जो ट्रेड लाइसेंस है वो दिखाना, उसकी कॉपी देना है। पता प्रमाण में आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक कागज़ दे सकते हैं और पार्टनरशिप डीड का जो कॉपी है वो दिखाना है, रजिस्टर किया हुआ है, और ओरिजिनल कॉपी दे लाना है या अपलोड करना है। जो ट्रेजरी चालान से आपको आपने उसका ट्रेजरी चालान देना है जो कि आपने डिपॉजिट किया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और आपका जो लाइसेंस है उसके लिए फीस जो जमा किया है उसका रसीद, और फॉर्म भी देना है जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया है, जो सर्टिफिकेट, एनओसी चाहिए लोकल पुलिस डिपार्टमेंट से, और एग्रीमेंट का कॉपी दिखाना है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कंट्रैक्टर के बीच। सेल्फ एफिडेविट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। इन सारे दस्तावेजों के साथ आप ऑनलाइन आवेदन के लिए आएंगे, बैठेंगे, उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया गया है। लिंक में क्लिक करके आप इस पेज में आ जाएंगे। इस पेज में आकर आपको जो भी यहाँ पे देखिए, कंट्रैक्टर टाइप, नेम ऑफ कंट्रैक्टर, एड्रेस ऑफ कंट्रैक्टर इत्यादि, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी, विलेज और ग्राम, सर्वे नंबर, पोस्टल कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी जो जानकारी है वो यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहाँ होना है वो भी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का नाम, एड्रेस और टाइप ऑफ बिजनेस इत्यादि, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस और कंट्रैक्ट लेबर का भी जानकारी देना है। इसके अलावा आधार डिटेल्स में आपको वॉट एवर द कंट्रैक्टर वॉज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस विद इन प्रसीडिंग 5 ईयर्स, येस और नो, इसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन देना है, यहाँ इस बॉक्स को चेक करना है और उसके बाद प्रोसीड बटन में आपको क्लिक करना है।
और उसके बाद आपका जो दस्तावेज है, आवश्यक दस्तावेज जो आपको अभी बताया गया है, वो आपको अपलोड करना है। और उसके बाद आपको ऑन स्क्रीन कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा उस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। उसको फॉलो करें और उसके बाद फी पे करना है होगा उसका। जो भी अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन होगा वो आपको उस शुल्क को, जो राशि शुल्क राशि का भुगतान करना है, और उसके बाद सबमिट कर देंगे आप। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है वो ट्रैक करने के लिए आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन अगर करेक्ट हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस इशू हो जाएगा और वो सर्टिफिकेट आपको हैंड डिलीवर होगा या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पोर्टल से। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।